नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर ले। आज हम चर्चा करेंगे जन्माष्टमी के पर्व की, क्योंकि अभी तक हम चर्चा कर रहे थे श्रावण मास की और अब हो चुका है भाद्रपद मास आरंभ। और इस महीने में जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है उस तिथि पे मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। और आप सभी जानते हैं कि ये जो तिथि होती है ये सभी के लिए बेहद खास होती है, क्योंकि इस दिन कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार लोग तिथि को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है कि इस बार की तिथि क्या रहेगी। कहीं जगह पे बोला जा रहा है 11 अगस्त की रहेगी, कहीं जगहों पे बोला जा रहा है कि 12 अगस्त की रहेगी। तो हम इसी विषय पे आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में कि इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि रहेगी वो कौन सी होगी, क्या समय होगा, कौन से समय पे आप पूजा कर सकते हैं। तो देखा जाए काफी हद तक जो तिथि मानी जा रही है वो 11 अगस्त की मानी जा रही है, मगर मथुरा में जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 12 अगस्त की। इसका कारण ये है कि 11 अगस्त 2020 को सुबह 9:07 से अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी और जो तिथि समाप्त होगी अष्टमी तिथि वो होगी 12 अगस्त को 11:16 पे। तो ये जो समय रहेगा अगर देखा जाए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो उदय तिथि से ही तिथि को माना जाता है। तो 12 अगस्त को उदय तिथि जो है अष्टमी होगी, तो इसीलिए अष्टमी जो है वो 12 अगस्त की मानी जाएगी। मगर इस वर्ष जो है अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ योग नहीं बन रहा है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो आरंभ हो जाएगा 12 अगस्त की रात्रि अर्थात 13 अगस्त सुबह 3:57 तड़के पे। तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग नहीं बन पा रहा है, मगर अगर अष्टमी तिथि की चर्चा की जाए तो 12 अगस्त की ही पड़ रही है। मथुरा वृंदावन में भी जो जन्माष्टमी है वो 12 अगस्त की ही मनाई जाएगी, तो इसलिए कंफ्यूजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 12 अगस्त को आप अपने घर में कृष्ण जन्मोत्सव जरूर बनाएं। इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है इस दिन आप यदि भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के ही अवतार भगवान कृष्ण जी को माना गया है। प्रेम की लीला, प्रेम का संबंध अगर आपको अपना मजबूत करना है तो इस दिन यदि आप भगवान कृष्ण और राधा रानी की उपासना करते हैं तो आपको शीघ्र ही अपने प्रेम संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन यदि आप बाल गोपाल जी को अपने घर में लेकर के आते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग नित्य रूप से लगाना आरंभ कर देते हैं तो आपको शीघ्र ही संतान प्राप्ति भी हो जाती है। तो ऐसे ही और भी खास बातें हम लेकर आएंगे जन्माष्टमी से संबंधित, और भी खास विषयों पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए एस्ट्रो तक, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम।